Hello student, in previous videos of corrosion we have studied on the introduction of the corrosion, then oxidation corrosion, but in this video we will study on the wet corrosion. Wet corrosion ki definition kya hai, wet corrosion ke examples aur wet corrosion ka mechanism kya hai. Isme do type ke mechanism hai, जिसमें है, वन इज द हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म एंड अनदर इज द ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म. सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वेट इलेक्ट्रोकेमिकल या इनडायरेक्ट करोजन. दिस टाइप ऑफ करोजन के लिए आपके लिए मॉइस्ट कंडीशन या एक्वस मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, इसको हम इमर्स करोजन भी कहते हैं. ये जो करोजन है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जो आयरन पर जो रस्टिंग लगती है वो आपका वेट करोजन का एग्जाम्पल है. एक हमने इससे पहले जो ऑक्सीडेशन करोजन किया उसमें हमने करोडिंग मीडियम जो है वो आपने क्या लिया था, एयर लिया था, और इसके अंदर हमने क्या है, एक्वस मीडियम रहेगा. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है फॉर्मेशन के लिए आपको ये कुछ कंडीशंस हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं कि उसके अंदर कैथोड और एनोड होने चाहिए, और जो कैथोड और एनोड जो है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या क्या देखते हैं, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस मेटल का हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, एनोड बन जाता है इजीली. वो क्या होता है, आयोनाइज हो जाएगा, और दूसरा वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, उससे नीचे वाला वो कैथोड बन जाएगा. ठीक है, तो इसमें जो बताया कि जो कैथोड और एनोड जो होती हैं वो किसके अंदर इमर्स्ड होंगे, कंडक्टिंग मीडियम जो भी लिया हुआ है उसके अंदर. ठीक है, और जब ये रिएक्शन होगी, कौन सी वाली, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, हमेशा उसके अंदर दो पार्ट होंगे, वन इज द एनोडिक पार्ट, अनदर इज द कैथोडिक पार्ट. एनोडिक पार्ट जो होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या होता है, मेटल क्या होता है, डिसोल्यूट हो रही है. ठीक है, और आयंस जो होती हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आपके सॉल्यूशन में. तो मेटल जो होते हैं मेटल आयंस में चेंज हो रहा है. कैथोडिक रिएक्शन होगी, कैथोडिक रिएक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं वो गेन होते हैं. गेन किसके थ्रू होती हैं, या तो क्या होता है हाइड्रोजन इवोल्यूशन के थ्रू या फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के थ्रू. ठीक है, तो और हमें पता ही है कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा. तो कैथोडिक रिएक्शन करने के लिए आपको तीन मीडियम की पॉसिबिलिटी है. यदि आपका मीडियम क्या है, आपका एसिडिक है और उसमें क्या होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या होगा कि एच आयंस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके किसमें चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे. यदि एसिडिक मीडियम है और उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो एच आयंस जो होता है ऑक्सीजन के साथ में और इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे. अब यदि नेक्स्ट में है कि न्यूट्रल मीडियम है या एल्कलाइन मीडियम है और उसमें भी क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ये वाटर और ऑक्सीजन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या बना देंगे, आपके हाइड्रोक्साइड आयंस को बना देंगे. ठीक है, अब हम बताते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे. ये दो तरह के मैकेनिज्म आपको बताएं, वन इज द हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, अनदर इज द ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन का मतलब हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, निकलेगी. ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, यानी ऑक्सीजन उसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म जो होता है तभी होगा जब क्या होगा, एसिडिक एनवायरमेंट हो. एसिडिक एनवायरमेंट हो, ये हम मेनली कहाँ देखते हैं, इंडस्ट्रीज में देखते हैं, कि वहाँ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो बिग बिग स्टील टैंक्स में क्या होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब उन स्टील टैंक्स में हम क्या कर देते हैं, कॉपर का स्क्रैप डाल देते हैं, कॉपर का पीस डाल देते हैं. तो क्या होता है कि जो स्टील टैंक है वो तो एनोड का वर्क करता है और उस पर ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन में आयरन जो होता है आयरन प्लस टू में चेंज हो जाता है और टू इलेक्ट्रॉन्स में, और कैथोड कैथोडिक जो रिएक्शन होती है वो किस पे होती है, कॉपर पीस पे होती है, जिसमें क्या होंगे, एच आयंस जो होते हैं जो एसिडिक इम्प्योरिटीज के होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. जैसे हम डायग्राम में देखते हैं कि एक स्टील का टैंक है, उसके अंदर क्या है, ये आयरन है,
और इसके अंदर हमने एक छोटा सा क्या डाल दिया, कॉपर का पीस। तो ये जो आयरन जो होता है वो तो आयरन प्लस टू में ही चेंज हो जाएगा। आयरन किस में चेंज हो रहा है? आयरन प्लस टू में चेंज हो रहा है। और ये आपके जो एच आयन्स होती हैं वो किस में चेंज होते हैं? एच टू में होते हैं। तो ये क्या हो जाती है? आपकी कैथोडिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कौन सा है? आपका हाइड्रोजन इवोल्यूशन मेथड। सेकंड है आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ओनली वी सी इन द एल्केलाइन या न्यूट्रल मीडियम में देखते हैं। जैसे हम डेली रूटीन में भी देखते हैं कि स्टील की प्लेट है या कोई और स्टील का आइटम है, बॉक्सेस हैं, उसमें क्या होता है, क्रैक आ गया। क्रैक आने पर क्या होता है, थोड़े दिन बाद देखेंगे कि उस पर हमें क्या है, रेड कलर की रस्ट जमा हो जाती है। ठीक है, तो यानी उसमें जो ये वेट क्रोजन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। तो उसमें क्या है कि एनोड पर जो होता है, एनोड जो होती है वो स्टील प्लेट का वर्क करती है। ठीक है, और उस पर ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे आयरन आयरन प्लस टू में चेंज हो गया। कैथोड जो होती है, कैथोड में क्या होता है, ऑक्साइड स्केल जो होता है वो स्टील सरफेस पर बनता है। कैसे? कि वाटर जो होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन्स के साथ में मिलकर के क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है और ये आयरन जो होता है, आयरन प्लस टू आयन्स जो होती हैं हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के क्या बुला देते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, और ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किस में चेंज होता है, Fe2O3 में, ब्राउन रस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, यही आपका रस्टिंग बोलते हैं या जंग लगना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हम यह डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि यहाँ पे आपके क्या है, ये आयरन की प्लेट ले लो या बॉक्स है, उसमें यहाँ पे क्या होते हैं, क्रैक्स बन गए हैं ना, क्रैक्स पे यहाँ क्या है, ये रस्टिंग हो गई है। ये इसका पिक्चोरियल डायग्राम था। सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड कि भाई वेट क्रोजन क्या होता है और उसके दोनों मैकेनिज्म, हाइड्रोजन इवोल्यूशन क्या है और ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से कैसे रिएक्शंस होती हैं, और डायग्राम के साथ में हमने स्टडी किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट जस्ट लाइक द वीडियो। बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।